नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत आप सभी को आपकी तत्वमसी, आपके लिए इंतजार कर रही है दोस्तों। तत्वमसी, खुद की खोज में जो जो निकले, स्थिर होकर प्रश्न कर रहे हैं, खुद को पहचानने के लिए भीतर की तड़प तूफान मची हुई है, वो सब एक साथ मिल गए, एक सामूहिक बन गए। और सुंदर सी बात, सामूहिक में एक साथ जागृत हो रहे हैं। ये सब इस वक्त धरती पर घटना घट रहे हैं और इस सुंदर सा घटनाक्रम का साक्षी है पूरा ब्रह्मांड। इस धरती पर इस वक्त जो भी घटनाएं घट रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस परिवर्तन की परिणाम क्रम में जिन जिन लोगों में बदलाव यानी जागृति हो रही है, ये जागृति सिर्फ धरती के लिए नहीं, धरती के साथ साथ इसकी वाइब्रेशन पूरा सृष्टि में, सारे गैलेक्सीज, सारे लोकों में, सारे यूनिवर्सेस में जा रही है। धरती का ये एवोल्यूशन प्रोसेस सभी के लिए तोहफा बन गई और सभी इस पल का इंतजार कर रहे। पूरा ब्रह्मांड इस परिणाम क्रम का साक्षी बनके हम सबको प्रेम और करुणा से देख रहे हैं और हम सामूहिक में जुड़कर अपनी खेल का मूल उद्देश्य की ओर एक साथ मास लेवल पर ग्रुप में जागते जा रहे हैं। अहो भाग्य इस पल का, इससे सुंदर इस सृष्टि में और क्या हो सकता है दोस्तों। इस पल का साक्षी बने हुए हम सब भाग्यदारी है। इस पल का आनंद उठाने के लिए जो जो तैयार है, उन सबको जोड़ने वाली अपनी दोस्त पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी को प्रणाम। आयोजन करके एस्ट्रल लेवल पर ऊर्जा के तौर पर उतारने के बाद फिजिकल लेवल पर इसको मैनिफेस्ट करके इस फिजिकल वर्ल्ड में चारों ओर सैटेलाइट के द्वारा प्रसारित करते हुए पूरा जगत की बदलाव के कारण बनने के लिए जितना भी मास्टर्स मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को मेरा वंदन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माय डियर मास्टर्स, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में सुंदर सा ज्ञान की ज्योति जलाते हुए इस वक्त हम कैसा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की हिस्सा बन गए। हम पिछले एपिसोड में
जानते हुए आज यहां तक पहुंचे। जैसा ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक महोन्नत उद्देश्य के लिए बनती है, इकट्ठा होती है, उसमें से बाद में भी उस उद्देश्य में जुड़ना चाहते हैं कोई भी, तो उसमें जुड़ सकते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसके अंदर जितना भी जुड़ते जाएंगे वो उतना बढ़ता होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये जितना बड़ा होगा उतना उसकी अंदर एक्सेस करने के लिए जो चेतनाएं हैं वो बढ़ते जाएंगे, उसका वाइड रेंज होगा। एट द सेम टाइम चेतनाओं का विस्तार भी बढ़ता जाएगा, उसकी जो स्पेक्ट्रम स्पेस वो भी बढ़ता जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, और अब हम पिछले एपिसोड्स में जैसा बात किए, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से हायर चेतनाएं उतरे हुए हैं, ये भी शब्द एक लेवल तक समझने के लिए। हायर डायमेंशनल उन्नत तल की चेतनाएं एक्सपीरियंस में भाग लेना चाह रहे थे। इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में रहते हुए भी वो इंडिविजुअल लेवल पर भी अपनी चेतना को विस्तार करते हुए वो और भी लेवल पर अनुभव करते जा रहे हैं। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर क्रिएटर्स, अपने आप को पूर्ण रूप से यही जोड़ के रखिएगा। आपकी माइंड इधर उधर भागने से, पूर्ण रूप से यदि आप नहीं जुड़ने से, आपको आधा अधूरा ही प्रकाश अंदर जाएगा। इस मौके पर जहां पर ये दिया दिव्य प्रकाश के साथ जल सकती है, उस मौके का फायदा उठाइएगा। शांति से पूर्ण रूप से अपनी 100% प्रेजेंस को यह दे दीजिएगा। दोस्तों, यस माय डियर फ्रेंड्स, मूल चेतना से निकला हुआ सारे चेतनाएं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेसेस, अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेसेस सोर्स की मैं एक हिस्सा हूं करके उस एस्पेक्ट को अपने भीतर होल्ड करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए इच्छा शक्ति के द्वारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के इधर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बिहेवियर के साथ साथ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस दो जगह पर उनकी बिहेवियर चल रहा है। हमेशा ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेसों का इकट्ठा होने से ही बनता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए ग्रुप्स में ज्यादा, अकेले से ज्यादा ग्रुप्स में, यानी कलेक्टिव
लेवल पर वो ज्यादा बन के भी आगे बढ़ने के लिए ये सारे चेतनाएं पसंद भी करके ग्रुप्स के साथ आगे बढ़ने लगे। अब इस वक्त जो विजडम मिल रहा है उसको प्योरली वैसा ही ले लीजिएगा। इधर उधर पहले की सब्जेक्ट या नॉलेज के साथ मत जोड़िए। जो विजडम की प्रकाश इस वक्त जो प्योरली उतर रहा है उसको वैसा ही शुद्ध भाव से लेते जाइए। उसके साथ अभी कुछ कनेक्ट करने की माइंड लेवल पर कोशिश ना करें। जब समय के अनुसार ये पॉइंट, ये डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी डॉट, चौथी डॉट, पांचवी, छठवी, ये सारे डॉट्स अपने आप मिलेंगे। जब वो मिलेंगे उसकी साक्षी आप बनेंगे। जब आप इन डॉट्स की सेंटर में साक्षी बन के बैठोगे तो शांति से जीरो माइंड के साथ शांति से बैठे रहिएगा। दोस्तों अब जो 12वीं डायमेंशन की ग्रिड बनाया गया था उसमें ये सारे चेतनाएं कैसा पार्टिसिपेट किया है, कैसा एग्जिस्ट किया है, उसकी बारे में बात करेंगे। इसमें पार्टिसिपेट करते हुए इधर कलेक्टिव कॉन्शियसनेसेस, इधर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेसेस सारे एक साथ यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया है। वॉलंटियर शिप लिया है दोस्तों। एक एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, सामूहिक में हजारों इंडिविजुअल कॉन्शियसनेसेस जुड़े हुए थे। एग्जाम्पल, जैसा एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्लीडियंस का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गया, तो उस पूरा एंटायर ग्रुप है, सामूहिक है वो प्लीडियंस का। एट द सेम टाइम वो प्लीडियन अपना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को भी ऑपरेट कर रहा है। वो उधर सामूहिक में भी बिहेव कर रहा है, इधर इंडिविजुअली भी बिहेव कर रहा है। इस 12वीं ग्रिड में उतरने के बाद 12वीं ग्रिड का मेन मकसद क्या है उसके साथ वो अपनी चेतनाओं को जोड़ दिया गया है। कितना परसेंटेज वो ऑपरेट कर रहा है और वो ऑपरेट करते करते वो अपनी फिजिकल फॉर्म में अवेयरनेस के साथ अवेकनिंग कितना करते हुए अपनी लाइट कोड्स को एक्टिवेट करते हुए परसेंटेज जो उतार रहे हैं उसी को हम लाइट कोशेंट बात किया है पिछले एपिसोड्स में। यस माय डियर मास्टर्स, अब इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में होते हुए हर एक कितना परसेंटेज यहां पर एक्सेस कर पा रहा है वो मायने रखती है। जितना परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना लाइट उतरता जाएगा, उतनी प्रकाश उतरता जाएगा। यदि इसको और इजी करने के लिए एक ब्लॉक या चेस बोर्ड मान के चलिए, चेस बोर्ड जैसा
ब्लॉक्स बनी हुई होती है, डिब्बे बनी हुई होती है। तो एक एक डिब्बा को एक एक पीस समझ लीजिए टुकड़े। तो यदि वो 10 पीस है, सो उसमें से एक पीस इस ग्रिड में है और रिमेनिंग पीसेस आउटसाइड द ग्रिड है। तब भी मैंने बोला माइंड से समझने की कोशिश ना करो, आप जीरो होके बैठो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले का पीछे बाद की डॉट्स जब कनेक्ट हो जाएगा, आपको पूरा ज्ञान की प्रकाश सामने आ जाएगा। कुछ टुकड़े नीचे है, एक टुकड़ा नीचे है उस 12वीं ग्रिड की अंदर, रिमेनिंग पीसेस ग्रिड से बाहर है, आउटसाइड द ग्रिड। क्योंकि क्या रीजन है वो भी बताया जाएगा। आराम से धीरे धीरे शांति से आप जुड़ते जाइएगा। जो परसेंटेज वो लाइट उतार रहे हैं, उतना पीस उस कलेक्टिव में वो जुड़े हुए। यस माय डियर फ्रेंड्स, सिक्स्थ डायमेंशन से लेकर 40th, छठवीं से लेके 40 डायमेंशन की बीच की तरह तरह की फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की फ्रीक्वेंसीज को इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में स्थित सारे बीइंग्स पकड़ के बैठे हुए हैं। चालीस अबोव 40th डायमेंशन फील्ड वाले इस 12th डायमेंशन की ग्रिड के अंदर उतरना उनको मुश्किल होगा। रीजन, वो 40th डायमेंशन, 40वां डायमेंशन इतना उन्नत तल में उनकी फ्रीक्वेंसी कितना हायर लेवल पर होगा, एक बार आप सोचेंगे। उतनी हायर लेवल से फिफ्थ डायमेंशन वाली अर्थ प्लेन में पार्टिसिपेट करना कितना मुश्किल होगा। दे कांट, वो वहां पर स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, उतार ही नहीं पाएंगे उनका छोटा सा हिस्सा को भी। वो इसलिए अबोव 40th डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी वाले इसमें भाग लेना मुश्किल होगा, इसलिए नहीं लिया, वो इच्छा भी नहीं रख पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, 40th डायमेंशन वाले को एक उनको एक डिजायर भी नहीं रहेगा इतना नीचे उतर कर फिफ्थ डायमेंशन की फिजिकल प्लेन, अर्थ प्लेन में पार्टिसिपेट करने का उनका इच्छा भी नहीं होगा। दूसरा, 12th डायमेंशन की ग्रिड के अंदर अपने आप को बांध भी नहीं पाएंगे, इतना हाई फ्रीक्वेंसी, इतनी हाई वाइब्रेशन से 12th डायमेंशन की ग्रिड के अंदर वो अपने आप को नहीं बिठा पाएंगे। इन दोनों रीजन की वजह से Above 40 dimensional field वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं ले पाएंगे। राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, अब 12th dimensional ग्रिड के बारे में बात करते हुए, जो भी चेतनाएं
किसी भी डायमेंशन से इस कलेक्टिव में उतरे हैं, उन सबको ये किस मकसद से बनी हुई उस एस्पेक्ट को पकड़ के रखना होगा, उस डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस करना होगा और ये सब यूनिवर्सल लॉस को फॉलो करना होगा। एट द सेम टाइम उस उन्नत तल की चेतनाओं को पूर्ण रूप से नीचे शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इसी पॉइंट पे फोकस करिएगा, इसी बात को समझ लीजिएगा, पूरा का पूरा वो अपने आप को नीचे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। पार्टिसिपेट करने के लिए उनकी चेतना में से एक हिस्सा को यहाँ पर उतारा गया है। पूरा का पूरा ना उतर भी पाएगा, उतरने की जरूरत भी नहीं है। यूनिक एक्सप्रेशन के लिए, एक यूनिक एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए उसमें से एक छोटा सा हिस्सा को उतारा है। जो उतरा हुआ है वो फिजिकल फॉर्म में रहना चाहती है रह सकती है, यानी भौतिक रूप में रहना चाहती है तो रह सकती है, बिना भौतिक रूप की नॉन फिजिकल लेवल पर रहना चाहती है तो रह सकती है। अब इस बात को समझने के लिए अब इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट 2023-2024 इस धरती पर अपने पास वापस आ जाइए। आप जब ध्यान कर रहे हो, ध्यान करते हुए एनर्जी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो आप दूसरा डायमेंशन को भी एक्सेस कर रहे हो। यानी आंख बंद करके कभी कहीं पर भी चले जाते हो, किसी को भी देख ले हो, किसी कोई भी लाइट दिख जाते हैं, कोई भी मास्टर दिख जाते हैं, या वहां से मैसेज ले लेते हो, कभी नंबर्स दिख जाते हैं, कभी कोड्स दिख जाते हैं, सिंबल्स, जियोमेट्रिकल शेप्स, बुक्स, ये सब क्या है? यानी आप दूसरा डायमेंशन में जो चीज है उनको आप देख रहे हो, मतलब आप वहां कनेक्ट हो गया तभी तो देख रहे हो। कनेक्ट हो गया मतलब आप वहां पहुंच गए, आप वहां पहुंच गए, वो जितना सत्य है आप यहां बैठे हुए हैं वो भी उतना ही सत्य है। और जब पहुंचते हैं तो एक ही जगह पहुंचते हैं, आपको ये भी अनुभव खुद का होगा या दूसरे के लिए भी सुनने के लिए मिला होगा, एक ही साथ तीन तीन घटनाएं घटते हुए भी पता चल जाते हैं। ध्यान में बैठने के बाद कभी आप जाके किन्नर, गंधर्व मास्टर्स के साथ नाचते हुए दिख जाओगे, या व्यास महामुनि किसी भी महान मुनियों के साथ ज्ञान प्राप्त करते हुए दिख जाओगे, दूसरी साइड कोई खेल खेलते हुए दिख जाएगी, किसी जगह पर कुछ इस तरह की एक ही साथ तीन चार विजन्स सामने आ रहा होगा। ये खुद का होगा या दूसरे कोई शेयर करते हुए भी आपने सुना होगा, इसकी मतलब क्या है? उसी डिवाइन मूवमेंट में, उसी
दिव्य क्षण में एक साथ आप उतनी जगह पर पहुंच गए हैं। यही सत्य है, इसीलिए हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, बहुमुख कोण में हम जी रहे हैं। ये बात समझ में आ गया? अब इसमें पॉइंट पकड़ लीजिए, तो आप धरती पर होते हुए भी उतनी सारे जगहों तक आप जा सकते हो। ये हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, उन्नत तल की चेतनाएं ऊपर रहते हुए नीचे नहीं आ सकते। जब हम नीचे रहते हुए ऊपर जा सकते हैं और इतनी सारे जगह में जा सकते हैं, क्या वो ऊपर रहते हुए नीचे नहीं आ सकते? आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे महोन्नत आत्माएं आ रहे हैं, एक साथ उनकी चेतना को हजारों जगह भी रख सकते हैं। इसमें एक चीज याद दिला दूं आप सभी को, पिता महाब्रह्मर्षि पत्री जी, उनको नमन करते हुए 2022 जुलाई 24 को एक सुंदर सा घटना घटी है। इस धरती पर कैलाशपुरी, करताल, महेश्वरा महा पिरामिड की प्रांगण में पिता महाब्रह्मर्षि पत्री जी की महोन्नत चेतना शक्ति 80 जड़ उस चेतना शक्ति की जो सोर्स वो है उन्नत तल में, हायर डायमेंशनल फील्ड में। उस चेतना शक्ति की छोटा सा हिस्सा धरती पर पत्री जी की उस 6 फीट की शरीर में, 2 हाथ 2 पैर वाली शरीर में, उस महोन्नत चेतना शक्ति की छोटा सा हिस्सा उतर के पत्री जी की रूप में धरती पर रहते हुए वो किसी की हस्बैंड बन के, किसी की पिता बन के, हम सब की बिलाउड मास्टर बन के, उसी शरीर में इस धरती पर 74 इयर्स की लीनियर एज में रहते हुए ध्यान के बारे में बताते हुए, शाकाहार के बारे में बताते हुए, अहिंसा के बारे में बताते हुए, पिरामिड की ऊर्जा की महत्व के बारे में बताते हुए, अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत के लिए पूरा सामूहिक को जागृत कर मानव जाति को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए क्या करने से ये काम होगा, ये सब करके फिर उन्होंने अपनी चेतना को और रूपों में एक साथ मिलाया। और रूप यानी फिजिकल बॉडीज में रहने वाली और भी जो चेतना शक्ति, यानी पिरामिड मास्टर्स, जो जो इस संकल्प को हृदय के साथ जोड़ के आगे बढ़ रहे थे, उनकी चेतना में पत्री जी के रूप में उतरा हुआ चेतना एक साथ हो गई थी।
इस घटनाक्रम की साक्षी पूरा धरती बनी हुई थी। यस माय डियर मास्टर्स, इतना कुछ होता है, हो रहा है, ये सब जानना जरूरी है। जानने से ही असली बात बोध होगी आपको, तब समझ में आ जाएगा कितना कुवे में बैंडक की तरह लिमिटेड बुद्धि लेके लिमिटेड माइंड में हम जी रहे हैं। इस पूरा ब्रह्मांड में जो दिव्य प्लान, डिवाइन प्लान जो चल रहा है, उसको समझने से तब आपको ये जीवन एक खेल जैसा दिखेगा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, अब वापस असली पॉइंट ये है कि आप जैसा हर जगह पर एक्सेस कर सकते हो, उसी तरह हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस भी इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने थोड़ा सा हिस्सा को उतारा गया था। उनकी और भी जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऊपर उन्नत तल में था, है, राइट? ये है क्यों, समझ जाओगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब वो पूरा हिस्सा में से छोटा सा टुकड़ा जो उतरी है, वो उतरा हुआ हिस्सा क्या कर रही है? फैमिली के साथ जुड़ी हुई है, अपनी पार्टनर से भी, अपनी बच्चे से भी, पेरेंट्स से भी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, सिबलिंग्स, कलीग्स, ग्रुप्स, उन सब के साथ कभी प्रेम, कभी फाइटिंग, कभी कुछ ये अनुभव कर रही है। और इस छोटा सा हिस्सा को जन्म पार्ट रिमेनिंग बड़ा हिस्सा वो ऊपर चुपचाप ग्रिड से बाहर बैठ के इसके साथ कनेक्ट होकर वो देख रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ये पूरा हिस्सा यहां पर उतरना है तो उसका फ्रीक्वेंसी को ये डाउन करना मुश्किल होगा। इतना हाई फ्रीक्वेंसी को इतना डाउन लेवल पर लाना मुश्किल होगा। यदि यहां की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, आप इस बात को पूरा ध्यान दे दीजिएगा, बहुत बड़ा राज खुलेगा यहां पर। यदि यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तब इसको उतार सकते हो, इसके साथ जोड़ सकते हो, उसकी मैक्सिमम परसेंटेज को यहाँ एक्सेस कर सकते हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लाइट को उतार सकते हो, यहाँ लाइट कोशेंट का परसेंटेज बढ़ा सकते हो। जितना परसेंटेज बढ़ेगा उतना जल्दी ड्यूअलिटी से बाहर आकर एकता को फील करोगे, उसी एकता की ऊर्जा को चारों ओर प्रकर्षित करते हुए, रेडिएट करते हुए, दूसरे को भी प्रभाव करते हुए आपकी सराउंडिंग्स में सभी को ध्यानी बना सकते हो, शाकाहारी बना सकते हो। ये जो मिशन ध्यान जगत के लिए शुरू हो गया वो सक्सेस कर सकते हो। शांति से सुखासन में बैठ के आंख बंद कर लीजिए। शांति से इसी सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस
वाओ, अपने बारे में जानकारी मिलते हुए कितना अच्छा लग रहा है। छुपा हुआ रहस्य की दरवाजा खुलते हुए कितना वाओ फीलिंग। इसी खुशी के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ, इसी फीलिंग के साथ अपने कोमल से सुंदर से प्यारे प्यारे आंखों को बंद करके आपके पूर्ण अस्तित्व में से आपकी चेतना अद्भुत स्थिति में कैसा नाच रही है देखिए, फील करिए। इसलिए सब कुछ छोड़ना सीख लीजिए दोस्तों। जितना छोड़ते जा रहे हो उतना परमानंद की और आगे बढ़ते जा रहे हो, बिंदास होते जा रहे हो। होल्ड करने में पेन है, दर्द है, यानी अपने आप को ये जो मैं की माया को पकड़ के रखने में अपने आप से लड़ती हो आप, क्योंकि आपकी असली स्वभाव वो है ही नहीं। उफ, छोड़ने से फ्री हो जाते हो, एक डिवाइन फ्रीडम का एहसास। वाव, ये हूं मैं। लंबी गहरे सांस, ये हूं मैं। वो नहीं था जो पकड़ के रखे हैं बंधनों में, पिंजरे में, अटैचमेंट्स में, मेरा तेरा में, सेल्फिशनेस में। वो नहीं हूं मैं। उन सब को छोड़ने के बाद दिव्य स्वेच्छा में ये लंबी गहरी सांस ले रही, दिव्य ऊर्जा हूं मैं। शांति का प्रतिबिंब हूं मैं। स्वेच्छा की स्थान हूं मैं। प्रेम और करुणा की घर हूं, निवास हूं मैं। शून्य हूं मैं। कोई आकार नहीं, कोई नियम निबंधन नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। स्वेच्छा में रहने वाली चेतना हूं मैं। सहजता से बहने वाली हवा हूं मैं। बिना शंके का चलने वाली प्रवाह हूं मैं। पंख लगा के उड़ने वाली तितली हूं मैं।
हरेक रंग हूं मैं। संगीत हूं मैं, इस सृष्टि का नाच हूं मैं। हर पत्ते का हरियाली हूं मैं, हर फूल का खुशबू हूं मैं, धूप का गर्माहट हूं मैं, हवा की ठंडा हूं मैं, मिट्टी का खुशबू हूं मैं, बारिश की बूंद भी मैं ही हूं। इस पूरा सृष्टि में हर कण में स्थित प्रेम मैं ही हूं। इस पूरा ब्रह्मांड में एक एक मॉलिक्यूल जिस प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं, वो जोड़ भी मैं ही हूं। शब्द की तरंगे मैं ही हूं, दृष्टि की तेज मैं ही हूं, अग्नि का ताप मैं ही, हर जगह स्थित वो परम तत्व मैं ही हूं। इधर भी मैं ही हूं, उधर भी मैं ही हूं, हर जगह तत्त्वम असि। तत्त्वम असि। तत्त्वम असि। अपने हरेक सांस में ये ही जागृति, अपने हरेक सांस ये ही शून्यता,
अपने सांसें भी धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं। उसी शून्यता में उतरते जाइएगा। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, दिखने वाले आप इंडिविजुअल मात्र नहीं है। You are one with everyone, everything. इस एकता को उसी शून्यता में महसूस कर पा रहे हैं आप। एकता ही आपका स्वभाव बन गया है। शांति से आपकी गहराई में चलने वाले सांसों को यदि पहचान पा रहे हो तो उसी के साथ ही रहना है। शून्य में उतर गए हो, उसी शून्य में रहिएगा। शांति से आपकी पूर्ण तत्व की प्रकाश के साथ एक होते हुए
इस पूरा ब्रह्मांड को घेरा हुआ, पूरा ब्रह्मांड के कण कण में स्थित परमात्मा तत्व के दिव्य प्रकाश के साथ आपकी जोड़ को पहचानते हुए ये आत्मा ज्योति हरेक आत्म ज्योति में अपने आप को देखते हुए सारे आत्माएं उसी परमात्मा का ही प्रतिबिंब इस सत्य में भीगते हुए शून्यता भरी हुई उस मूल चेतना में बैठे हुए हैं आप। उसी शून्यता से ही पूरा ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। उसी सोर्स एनर्जी में बैठे हुए हैं आप। अपने आप को चेतना में पहचान पा रहे हो, यानी परमात्मा सृष्टिकर्ता शो भरी हुई इन्फिनाइट पोटेंशियलिटी का जड़ मूल चेत अपनी सांसों को पहचान पा रहे हो, उन सांसों को देखते हुए और समाधि में उतरते जाइएगा। अनंत स्वरूप
अपने अनंत स्वरूप को फील करें। शांति से अपने भीतर ही जुड़े रहिएगा। होकर भी नहीं होने का एहसास नहीं, होकर भी हर जगह होने का एहसास। पूरा सृष्टि में ये मूल चेतना है। मूल तत्व है। वो मूल तत्व ही आप हो।
शांति से अपने हर एक सांस के साथ पूरा ब्रह्मांड के साथ जुड़ते जाए। शून्यता में मूल चेतना में ये सांसें चल रहे हैं जो आप ले रहे हो। मूल चेतना की वाइब्रेशन है ये। वही का पल्स तरंगे हैं ये। आपके वाइब्रेशन आपके हरेक सांस के द्वारा फैलने वाले तरंगे आपके हर एक सांस के द्वारा फैलने वाले तरंगे पूरा सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं। आपके वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन पूरा सृष्टि का वाइब्रेशन बनी हुई है। शांति से शांति से चलने वाले हरे सांस को यदि पहचान पा रहे हो, पहचानते हुए
उसके द्वारा चारों ओर फैलने वाले वे उस तरंगों को देखते हुए उस तरंगों में स्थित वाइब्रेशन को महसूस करते हुए बने आखिरी 5 मिनट जिनको बाहर आना है इससे समाधि स्थिति में ध्यान में बैठे रहिएगा दोस्तों, जिनको सोना है 5 मिनट के बाद सो जाए, जितनी देर इस समाधि स्थिति में सोर्स एनर्जी बन के बैठे रहेंगे उतना एवोल्यूशन उतना शिफ्टिंग होगा।
अगले 3 मिनट बाहर ना ही आओ तो अच्छा है, आना ही है तो आप हे सोर्स एनर्जी, हे मूल चेतना, हे परमात्मा के स्वरूप, अपने भौतिक शरीर को पहचान लो। जबरदस्ती बाहर ना आइए, झटके से गलती से भी बाहर मत आइए। अपने सिर को, चेहरा, गर्दन, हाथ, छाती, रीढ़ की हड्डी, पीठ, पेट, लोअर एब्डोमेन, लेग्स, घुटने, पिंडलियां, तलवे, उंगलियां, नाक, जब भी आप अपने हाथों को, पैरों को पहचानोगे, जब लगेगा कि पूर्ण रूप से मैं उतर पाई हूं, पंच तत्वों से बनी हुई इस भौतिक शरीर में, तब भी आप अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखिएगा। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। Yes, my dear masters. सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ
जिनको आंखें खोलना है खोल सकते हो। आप सभी को आंखें खुलवाने के लिए ही मैं भी आंखें खोली, अदरवाइज मेरा भी मन नहीं कर रहा था दोस्तों। जिनको अनुभव कर रहे हैं हम, जिनको फील कर रहे हैं हम वो ही है। सत्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ हम सब जागृत हो रहे हैं। मुबारक हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पितामह को भी, आप सभी को थैंक यू, लव यू ऑल। TMC हिंदी बदली जीवन।